जनपद में बाढ़ की स्थिति पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बाढ़ से बचाव के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। सभी तटबंधों पर मरम्मत का कार्य टीम द्वारा किया जा रहा है तथा राहत सामग्री भी उपलब्ध है। राशन किट का वितरण किया जा रहा है। पशु चारा और टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित हर एक गाँव का मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तरीय अधिकारी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेखपाल सेक्रेटरी गांव में ही प्रवास करके स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कहीं से भी किसी प्रकार की जनधन पशुधन हानि की सूचना नहीं है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा की जा रही है सभी बंदों पे मेंटेनेंस का काम। हमारी टीम सभी सामग्री मानव संसाधन के साथ उपलब्ध है। वहाँ के गांव के सहयोग से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पे लगातार जहाँ सीपेज उभर के आएगा वहाँ मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और वहाँ पे राहत सामग्री वितरण का काम राशन किट्स मेडिकल सामग्री पशु चारा टीकाकरण सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और हर एक गाँव की मॉनिटरिंग या कंट्रोल रूम से और अधिकारियों के जिले स्तर के अधिकारियों से लगातार भ्रमण से मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अभी भी समीक्षा विस्तृत समीक्षा के निर्देश दिए हैं जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और कोशिश ये है कि सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ हम लोग प्रशासन सभी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए संतुलित करें। सर, कुछ तटबंधों में रिसाव की खबरें आ रही हैं, जहाँ भी ऐसी सूचना मिलती है और निगरानी रखी जा रही है, रात को भी निगरानी रखी जा रही है और कोशिश ये है तुरंत उसको मेंटेन किया जाए और उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। सर, स्थानीय लोग जो बाढ़ पीड़ित है कहाँ सूचना दें इसकी? मान लीजिए कहीं कंट्रोल रूम हमारा 24 घंटे चल रहा है, वहाँ पे सभी विभागों के अधिकारीगण कर्मचारीगण बैठे हैं तो उनको सूचित किया जा सकता है। हमारे तहसील के सब कर्मचारी हैं, बाढ़ राहत चौकियाँ और बाढ़ राहत शिविर भी हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। संपर्क के संवाद के सभी माध्यम हैं। लेखपाल सेक्रेटरी गाँव में ही रहने के लिए निर्देशित किए गए हैं। किसी भी संपर्क करके हमें आप अवगत करा सकते हैं, तुरंत राहत पहुँचेगी।